डबल नहीं ट्रिपल रोल में दिखेंगे जॉन अब्राहम, एक्शन से भरपूर है ट्रेलर। सत्यमेव जयते की भारी सफलता के बाद जॉन अब्राहम और निर्देशक मिलाप मिलन झवेरी ने इसके सीक्वल के लिए फिर से हाथ मिलाया था। इस बार यानी सत्यमेव जयते 2 में जॉन अब्राहम लखनऊ में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते नजर आएंगे। जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म सत्यमेव जयते 2 के ट्रेलर का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। दर्शकों का ये इंतजार आज यानी सोमवार को खत्म हो गया। मिलाप मिलन झवेरी द्वारा निर्देशित फिल्म सत्यमेव जयते 2 का ट्रेलर आज यानी सोमवार को रिलीज कर दिया गया। यह फिल्म आज से ठीक एक महीने बाद यानी 25 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में जॉन अब्राहम के अलावा दिव्या खोसला कुमार भी अहम भूमिका में नजर आने वाली है। फिलहाल फिल्म के ट्रेलर की बात करें तो यह बहुत ही जबरदस्त है। इस फिल्म को लेकर पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि इसमें जॉन अब्राहम डबल रोल में नजर आ सकते हैं, लेकिन ट्रेलर के सामने आने के बाद ये खुलासा हुआ कि डबल नहीं बल्कि जॉन फिल्म में ट्रिपल रोल में दिखने वाले हैं। 3 मिनट और 17 सेकंड लंबे इस ट्रेलर में जॉन अब्राहम का बहुत ही इंटेंस अवतार देखने को मिला है। वो कार उठाते हैं, बाइक उठाते हैं, टेबल तोड़ते हैं और लोगों को पीटने के लिए मंदिर की घंटियों तक का इस्तेमाल करते हैं। जॉन ट्रेलर में अपनी फिट एंड टोन्ड बॉडी को फ्लॉन्ट करते हुए दिखे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे इस फिल्म में जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम की ये फिल्म भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द बुनी गई है। एक तरफ जहां एक बड़े राजनेता के रूप में जॉन दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके 2 जुड़वा बेटों के रूप में भी जॉन अब्राहम ही है। ट्रेलर में थोड़ी सी झलक दिव्या खोसला कुमार की भी देखने को मिली है। दिव्या काफी खूबसूरत नजर आ रही थी। वहीं इसके अलावा पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म में भी नोरा फतेही नजर आएंगी। इस फिल्म में एक डांस नंबर होगा जिसमें नोरा फतेही थिरकते हुए दिखेंगी। फिल्म के पहले पार्ट की तरह दूसरा भाग भी भारत में भ्रष्टाचार के मुद्दे से संबंधित है। पुलिस और राजनेताओं से लेकर उद्योगपति और आम आदमी तक फिल्म हर किसी के जीवन से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएगी।